जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज एक और नए रिव्यू के साथ मौजूद हूँ। आज मैं मौजूद हूँ ZR मोटर पर, तो अभी अकेला हूँ तो खुद ही रिव्यू कर रहा हूँ। तो आज जो हमारे पास गाड़ी है, आज की बड़ी स्पेशल गाड़ी जी एंटरकूलर, मित्सुबिशी एंटरकूलर हमारे पास गाड़ी है। आज की वीडियो में इस गाड़ी का रिव्यू मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का निशान है उसको प्रेस कर लिया करें, ताकि जो मज़ीद वीडियोज़ होती हैं आने वाली वो आप लोगों को मिल सके। तो चलिए आज की गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं और मैं बाहर निकल के दिखाता हूँ कि ये कौन सी गाड़ी है, फिर इसका जो इंटीरियर है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ और इसकी प्राइस आपको बताता हूँ कि इसकी प्राइस क्या डिमांड की जा रही है। जी तो वो बस गाड़ी है हमारे पास मौजूद है, एंटरकूलर है, मित्सुबिशी है और 1995 मॉडल है और 1996 की रजिस्ट्रेशन है। और इसके अलावा ZR मोटर्स पे ये गाड़ी अवेलेबल है। गाड़ी आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है मित्सुबिशी एंटरकूलर। बड़े शौकीन लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं शौकीन है इस गाड़ी के। तो गाड़ी जो आप लोगों को दिखाते हैं, गाड़ी का फ्रंट आप चेक करें जी। फ्रंट जो है इसका माशाल्लाह बिल्कुल ओके है, डेंटलेस है, कोई भी मसले वाली बात नहीं है। जो फ्रंट ग्रिल है इसकी वो भी बिल्कुल ओके है। जो नंबर है इसका वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो है हल्के से स्क्रैच वगैरह मुझे नज़र आ रहे हैं, तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं। तो टायर्स में इसका जो टायर्स हैं ये भी आपको दिखाता हूँ। टायर्स आप देख सकते हैं जी, टायर जो है अलॉरिम लगे हुए हैं। टायर्स की कंडीशन जो है माशाल्लाह वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। गाड़ी की साइड आप देखें और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें जो है 1 से 2 पीस टचिंग है, बाकी ये जो गाड़ी है तकरीबन टोटल जेन्युइन है मित्सुबिशी एंटरकूलर। अब जो है इस गाड़ी का जो बैक साइड है ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बैक साइड से गाड़ी की जो कंडीशन है वो क्या है। जी दोस्तों, गाड़ी आप देख सकते हैं जी, बैक साइड से जो गाड़ी के बम्पर वगैरह हैं वो भी बिल्कुल ओके है, ठीक है। यहाँ पे जो है स्क्रैच वगैरह थोड़े से हैं, लेकिन ये मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी जो है इसकी डिक्की वगैरह भी खोल के आप लोगों को दिखाते हैं जी। तो बस डिक्की वगैरह आप इसके देख सकते हैं, गत्ते वगैरह बिल्कुल ओके हैं। जो यहाँ पर जो रूम है इसका, ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा सामान खिल रहा हुआ है। जो फोल्डिंग सीटें भी हैं, पीछे स्पेस जो है माशाल्लाह बड़ी खुली डुली है। सनरूफ इसका एक्टिव है। सीट्स वगैरह आप देख सकते हैं। बैक रूम जो है उसकी क्या कंडीशन है। ऑल ओवर जो गाड़ी है वो बड़ी ज़बरदस्त हालत में है। तो अभी जो है इसका अंदर से जो इंटीरियर है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। स्टपनी वगैरह जो है वो भी आप लोग देख सकते हैं जी, यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा चलते हैं जी इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर आप लोगों को दिखाते हैं जी, इंटीरियर की क्या कंडीशन है। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप डोर देखें, डोर की सीलें आप लोग देख सकते हैं और जो गत्ते हैं ये भी आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है पुराना मॉडल होने के लिहाज से। और जो इसका डैशबोर्ड है वो देखें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई भी इसमें मसले वाली बात नहीं है। और इसके अलावा जो है इसमें जो गियर ट्रांसमिशन है ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। गियर ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक है, 4x4 एक्टिव है। और इसके अलावा स्पीकर्स लगे हुए हैं। ये आप गाड़ी का जो मीटर है ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। स्क्रैचलेस डैशबोर्ड है। जो पोशिश वगैरह ये भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो थोड़ा सा मुझे रफ़ नज़र आ रहा है, बाकी जो सीट्स हैं ये बिल्कुल ओके हैं, कोई भी इसमें जो मसले वाली बात नहीं है। तो अब जो है इसका बैक रूम थोड़ा सा वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बैक रूम की क्या कंडीशन है। तो जो पीछे वाला डोर है ये लॉक है, तो अभी जो है फ्रंट से मैं इसकी जो बैक सीट्स हैं वो भी थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। बैक सीट्स जो हैं ये भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके हैं, कोई भी मसले वाली बात नहीं है। नीचे जो मैट्स वगैरह हैं ये भी बिल्कुल ओके हैं। जो इसका सनरूफ एक्टिव है, छत जो है उसकी कंडीशन भी आप लोग देख सकते हैं। तो बड़ी ही शानदार गाड़ी है जी मित्सुबिशी एंटरकूलर, बड़ी गाड़ी है। तो अभी जो इसका इंजन आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके इंजन की क्या कंडीशन है। जी तो वो बस इंजन है इसका, आप देख सकते हैं जी 2400 cc इसका इंजन है, डीजल इंजन है इसका। और बैटरी जो है इसमें आप देख सकते हैं बड़ी साफ और अच्छी हालत में बैटरी जो है इसकी मौजूद है। फ्रंट पट्टी जो है इसकी ये भी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ओके है। और इसके अलावा अगर थोड़ा सा यहाँ पे आए तो आप यहाँ पे जो इसका चेसी बिस्किट है ये भी आप लोग देख सकते हैं कि मौजूद है, कोई भी मसला वाली बात नहीं है। बोनट वगैरह जो है ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पुराना मॉडल होने के लिहाज से जो बोनट है इसका वो भी बिल्कुल ओके है। तो दोस्तों इसके प्राइस की डिमांड, जो इसकी प्राइस है उसके बारे में आपको बताते हैं। जी तो व्यूअर्स, इस गाड़ी की जो प्राइस है अगर वो मैं आपको बताऊँ तो इसकी जो प्राइस डिमांड की जा रही है 17,50,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 17,50,000 रुपये डिमांड की जा रही है, बाकी प्राइस में जो है इंशाल्लाह ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि गाड़ी आप लोगों को पसंद आई होगी। डॉक्यूमेंट्स वगैरह गाड़ी के बिल्कुल ओके हैं, जेन्युइन है। और अगर तो आपको गाड़ी पसंद आती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका बोर्ड भी आपको नज़र आ रहा है। स्क्रीन पर मैं इनका नंबर दे दूंगा, आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करके तो जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है वो आप इनसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। सबको ढेर सारा सलाम, अल्लाह हाफिज़।